फिलहाल हम सबके एक ही जैसे हाल हो रखे हैं। हाँ सही बात है, सही बात है। एक सेकंड मैं फोन दे दूँ। विमान, जो वर्क फ्रॉम होम बेचारे जो करते हो, उन्हें कितनी दिक्कत होती होगी ना। तो पैकेज आया होगा, ले लीजिए। सॉरी। जी 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 सॉरी। क्या बच्चा हेल्प कर रहा है आपको? देखिए नहीं नहीं मैं आपको सॉरी बोल रही हूँ। हाँ जी तो आप बताइए। वसंत सर नमस्कार। हाँ ये पहला एक्सपीरियंस है मेरे लिए तो इस प्रकार आना। मैम मैंने आपको कहा था कि आपको मजा आएगा तो देखिए। अभी आपको सारे लोग नजर आ रहे हैं? हाँ मुझे वसंत जी नमस्कार है। नमस्कार वसंत जी। नमस्कार। रंजीत सर आए कि नहीं? जी नहीं 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 वो तपस्या जी नमस्कार। बात हुई उनसे, मैंने बोला आप एक ही जन रह गए, अन्नू जी, सीमा जी आ गई, आप आ गए, अभी ये आ गई ग्रिशा जी, आज आ गई, अब अन्नू जी को लाना है बस। मैंने कहा था लेकिन सीमा जी कहे कि नहीं वो कहीं नहीं जा रहे हैं अभी इस वक्त और उनका कोई टाई अप है इसलिए वो मना कर। अच्छा, वो कहीं पुराने कोई लॉकडाउन में कहीं क्वारंटाइन थे। हाँ। में बोले दिमाग से थक गया। अनुपदा नमस्कार। क्या गुरुसा जी, बहुत से लोगों को ये ऐप बड़ा अजीब लगता है इसको चलाना, लेकिन फिर भी सबका इतना सहयोग है और इतना साथ है कि ये बहुत बढ़िया तरीके से प्रोग्राम हमारा चल रहा आज है। आज से तो ज़ूम बैन होने वाला है जल्दी। नहीं नहीं बैन नहीं हो रहा। लोगों में अचानक राष्ट्रीयता आ गई कि अब चाइनीज इसको बंद कर, जिससे मना कर रहे वो चाइनीज ही मोबाइल है। तो मैं औपचारिकता पूरी कर लेती हूँ। मैम आपका नमस्कार है। मेरा मंच से मैं गीतांजलि आपका स्वागत करती हूँ। मैं वसंत सर, अनूप सर और ओम सर के साथ आपको आपका स्वागत करती हूँ। आज जयंत सर नहीं आए क्योंकि वो बाहर गए हैं प्लॉट देखने के लिए। ओम जी आए ना, ओम पारिक। जयंत सर को पकड़ना बहुत मुश्किल है। हम लोग एक सीरियल बना रहे थे, डेली आते हैं। ना 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 मैं आपको बताती हूँ, लोकेशन देखने गया। लोकेशन देखने गया। मेरे साथ भी यही हुआ था। हम लोग अपना एक सीरियल बना रहे थे एक चैनल के लिए, तो हम जयंत दादा को चाह रहे थे कि सेट डिजाइनिंग दादा की हो, वो पकड़ में ही नहीं आते हैं। पहले बात बात जब था लोकेशन देखने जाने का तो जयंत दादा भोपाल में किसी काम में अटक गए, वो मिल ही नहीं पाए हमको। नहीं ये इस क्लास में तो डेली आते हैं लेकिन आज नहीं। अच्छा मैं हूँ ना, तो देखिए फोन आया था मेरे पास। मैं लोकेशन पे जा रहा हूँ बट ही विल ज्वाइन एट 3:30। ओके जयंत दादा। हाँ तो चलिए जी जी मैं भूल जा रही हूँ। हम स्वागत करते हैं मैम आपका, आप आए और हमारे बीच में अपने अनुभव और अपने जो भी आप टॉपिक लेना चाहती है उस टॉपिक के साथ बात करना है के लिए तैयार हो गए, इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो हम लोग अभी इस वक्त करीबन 18% है यहाँ पर, तो मैं चाहूंगी कि अब आप अपने मुद्दे पर आए और हम लोगों से बातें करें। मेरे पास तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, मुझे तो अच्छा लग रहा है आज इतने सारे मैम आप भटक रहे हैं। नहीं नहीं जेन्युइनली मुझे तो मिलके ही सबसे इतना अच्छा लग रहा है। चेहरे देखने को तरस गए थे, कहां भीड़ से परेशान थे, अब भीड़ में घुसना चाह रहे हैं, तो मुझे तो सबको यहाँ गुरुजन बैठे हैं बड़े बड़े लोग, आप सबको मिलके इतना अच्छा लग रहा है मुझे तो। मैं क्या मतलब शुरुआत तो आप चलो अपन बातचीत शुरू कर देते हैं। आप ये बताएं, आप जो सीरियल बनाते हैं उसमें दो तरह के लोग मिलते हैं आपको, एक थिएटर वाले और एक नॉन थिएटर वाले, दोनों के साथ काम करने में आपको कैसे लगता है? वसंत जी ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैंने कई बार मैं जब अपने साथ को एक्टर्स भी होते हैं उनसे भी मैं हमेशा ये डिस्कशन रहता ही है। मैंने ये नोटिस किया है कि स्पेशली अभी जो पिछली फिल्म मैंने की उजड़ा चमन, तो उसमें मेरे जो को एक्टर थे वो थिएटर से हैं, अतुल कुमार जी, बहुत अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे इंसान, बहुत प्यारे। लेकिन और भी जो मैंने पीछे वेब सीरीज की या सीरियल्स किए या खुद के भी जो बनाए उसमें थिएटर के जो एक्टर्स होते हैं और जो रेगुलर टीवी के एक्टर्स होते हैं,
उसमें बड़ा फर्क देखने को ये महसूस होता है कि थिएटर के एक्टर्स में अभी भी बहुत भूख है कुछ कहने की, कुछ करने की, बहुत एंथुसियाज्म है कि मैं इस कैरेक्टर को, भले ही वो कैरेक्टर दो लाइनों का हो या पांच लाइनों का हो, उनके अंदर अभी भी बहुत कुछ वो कहना चाहते हैं, कुछ ऐसे करके कर लें या इम्प्रोवाइज कर लें, एक अंदर से एक एक्साइटमेंट होता है उनके। और जो सीरियल वाले एक्टर्स के साथ भी मैंने तो जीवन पूरा स्पेंड किया है, और जिनका थिएटर बैकग्राउंड नहीं है उनके में मैंने अक्सर महसूस किया है कि थोड़े ब्लैंक मिलते हैं मुझे, और जो स्क्रिप्ट में लिखी जो लाइनें हैं बस उतना ही उनका एक दायरा है, उतना ही वो बोलते हैं, उतना ही वो करते हैं। तो स्पेशली जब आप अगर थिएटर वालों के साथ काम कर रहे होते हैं तो मैं हमेशा वो ये महसूस करती हूँ कि अगर आपके साथ में अच्छे एक्टर्स होते हैं तो ये बिल्कुल वैसा है जब आप कोई रेस भाग रहे हो और आपके साथ एक अच्छा धावक होता है, जब आपके साथ एक अच्छा रनर होता है तो आपको मजबूरी में तेज भागना पड़ता है। तो वैसे ही अगर आपके साथ एक कलाकार थिएटर बैकग्राउंड का अच्छा कलाकार है तो आपको भी उसके साथ अपने आप को मैच करना पड़ता है। तो ये मैंने बहुत अच्छे से महसूस किया है, और बहुत मेरे खुद के परफॉर्मेंसेज में मैंने डिफरेंस देखा है कि अगर मेरे साथ अच्छे कलाकार हैं तो मैं उनको मैच करने की कोशिश करती हूँ, और मान लीजिए अगर मेरे साथ कोई थोड़े से जिनका हाथ तंग है, और वो होता है ना कि जब 20 रुपए में काम चल रहा है तो अपन 22 रुपए क्यों डाले, वो वाला, तो मेरा भी वहां वो वाला हो जाता है कि मैं भी थोड़ा सा सुस्त सी हो जाती हूँ कि अच्छा यहाँ तो इतने में चल जाएगा। हम बड़े चालाक से हो जाते हैं अपने परफॉर्मेंसेज में, टीवी ये कर देता है आपके साथ में, क्योंकि आप रोज वही 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 सीन्स, वही कैरेक्टर तीन तीन चार चार साल लोग करते रहते हैं, तो वो एक अजीब मोनोटनी है, एक अजीब सा वो कि वो बस गया, हाँ भाई लाइंस क्या है दिखा दो मुझे, और वो आप रटी रटाई अपनी चीजें आपकी, जैसे क्वारंटाइन में हमारी लाइफ कैसे हो रखी है, रोज सेम तरह की जिंदगी, वैसे एक टीवी कलाकार की जिंदगी होती है, सेम तरह की जिंदगी होती है, उसके वो चार एक्टर्स साथ में होते हैं और वो कुछ वही सीन सेम होते हैं और उसी में वो उलझा रहता है और उसमें जीवन निकल जाता है। कभी ऐसा हुआ कि कुछ जो एक्टर्स नए आते हैं जिन्होंने कभी टीवी या फिल्म की नहीं तो थोड़े लाउड होते हैं थिएटर वाले, हम थोड़े लाउड होते हैं, हमारे जेस्चर बहुत ज्यादा लाउड रहते हैं, ये होता है। और मैं थिएटर वालों को थोड़ा सा टोक भी देती हूँ कि तुम्हें यहाँ पर आखिरी दर्शक तक अपनी डायलॉग नहीं पहुंचाना है, यहाँ तुम्हारे पास यहाँ पर माइक लगा हुआ है और तुम्हारी भाव भंगिमाएं इतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अच्छे से, तुम्हारे पास यहाँ है कैमरा क्लोज है, अच्छे से दिखाई दे रहा है, तो सटल करिए, जितना हो सके सहज एक्टिंग करिए, एक्टिंग का बोझ नहीं है यहाँ पर टीवी और सिनेमा में स्पेशली, और थिएटर में एक्टर क्या है बोझिल है कि भैया उसको मुझे आखिरी दर्शक तक मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए, बड़ी सारी चीजें हैं उसके लिए, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टेक्निकलिटीज आपके साथ हेल्प करती हैं, आपको इतने इतने डायलॉग्स बोलने होते हैं, कट हो जाता है, फिर आप मूवमेंट लेते हैं, वहां पर वो बेचारा एक टेक है उसके लिए जो नाटक करने वाला होता है। तो मैं ये हमेशा समझाती हूँ कि यहाँ पर उस नर्वसनेस को निकाल दीजिए और उस कॉन्शियस जो आपका माइंड रहता है कि मेरी आवाज पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी, मेरे एक्सप्रेशंस लाउड, अपने एक्सप्रेशंस लाउड मत रखिए, उसको कम कर दीजिए, सहज, और हमेशा ये तो मैं सारे, बल्कि जो भी एक्टर्स होते हैं मैं उनको नोटिस भी बड़ा करती हूँ, मुझे लोगों को ऑब्जर्व करना बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उसी में अपने को अच्छा कोई कैरेक्टर्स भी मिल जाते हैं। तो मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि आप अपने डायलॉग बोलने का इंतजार मत कीजिए, आप जो बात सामने आपका जो एक्टर बोल रहा है उसकी बात को सुनिए, पूरी बात सुनिए, उसको एब्जॉर्ब होने दीजिए, फिर आप रिएक्शन दीजिए। अब वही होता है, कई बार क्या होता है, हम सिर्फ अपने डायलॉग बोलने का इंतजार कर रहे होते हैं और वो कैमरा, कहते हैं ना झूठ नहीं बोलता कभी, वो पकड़ में आती हैं चीजें, तो मैं वो हमेशा एक 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 लाइन में या एक शॉट में आप समझ जाते हैं कि सामने वाला एक्टर किस स्टेज पे है, अभी इनिशियल स्टेज पे है या एडवांस स्टेज पे है, वो एक एक लाइन से आपको समझ में आ जाता है। तो ये बड़ा मैंने देखा है कि बहुत कॉन्शियस रहते हैं इस चीज का, तो हमें बहुत सहज होना पड़ेगा। ये हमारे स्पेशली थिएटर के मेरे जितने भी हमारे स्ट्रगल कर रहे हैं या आके संघर्ष कर रहे हैं, एक्टर्स बनना चाहते हैं, वो जरूर इस चीज को ध्यान में रखें कि अब इंडियन फिल्म्स भी हमारी, पहले तो चलिए सिर्फ हॉलीवुड था, लेकिन अब
हिंदुस्तानी फिल्में भी अगर आप देखें और अगर आप वेब सीरीज भी देखें तो परफॉर्मेंसेस बहुत सटल हो गए हैं, स्टोरीज सटल हो गई, वो 90s की जो एक एक्टिंग होती थी और वो सब नहीं हो रहा अभी, अभी सटलिटी आ गई। इरफान साहब का परफॉर्मेंसेस इसीलिए लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत सहज कलाकार हैं, वो ऐसा लगता है वास्तविक में उनके साथ ये हो रहा है जीवन में जो वो बात कर रहे हैं। तो ये हमारे थिएटर के बैकग्राउंड को लोगों को जानना बहुत जरूरी है, उनके लिए बहुत अच्छा रहे। कोई सवाल पूछना चाहता है? गोशा जी, ओम जी। गोशा जी, मैं थोड़ा सा हटके पूछ रहा हूँ, आप थिएटर के परिवेश में पली बड़ी हुई, बहुत कुछ सीखा समझा, एक सोच बनी आपकी जी, वर्तमान, इस वर्तमान में जब आप काम करती हैं उस सोच से हटकर आपको कुछ मिलता है तो झुंझलाहट होती है या उसको कैसे सॉल्व करती है? क्योंकि आपकी सोच एक परिपक्व निश्चित रूप से होगी, क्योंकि आप जिस तरह से परिवेश में बली हुई हैं वो हर एक को नहीं मिलता है, सौभाग्यशाली व्यक्ति को मिलता है, तो एक बड़ी पुख्ता सोच है आपकी, उस सोच से हटकर जब आप काम करती हैं वो चीज अगर आमना सामना होता है तो कैसे सुलझाती है, या मिलती है या नहीं मिलती है? ओम जी, सोच कई लेवल्स पे मिलती है और कई लेवल्स पे नहीं मिलती। मान लीजिए मैं मिसाल के तौर पे आपको एक बात बताती हूँ कि जैसे अब किसी के साथ आप व्यक्तिगत तौर पे उनके उनकी सोच के साथ आप अग्री नहीं करते, चाहे वो उनके मतलब धार्मिक व्यू हो सकता है, किसी का पॉलिटिकल व्यू हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन मैं बहुत इस चीज का ध्यान रखती हूँ काम करते वक्त कि हम देखिए प्रोफेशनल्स हैं ओम जी, और जो मुझे हायर कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर जो अपना अपना शूटिंग कर रहे हैं, वहां सब पेड लोग काम कर रहे हैं, दे एक्सपेक्ट मी टू बी प्रोफेशनल। और वहां पर क्या है, आपके पर्सनल ओपिनियंस, आपकी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको घर पर छोड़कर आनी पड़ती है कि हाँ मेरे इनके साथ डिफरेंसेस बहुत हो सकते हैं लेकिन मैं उसको अपने काम में नहीं बीच में आने दूंगी। तभी प्रोफेशनल एक्टर्स का मेरे ख्याल से यही एक दायित्व है कि हम अपनी अपनी जो वैचारिक मतभेद हैं उसको अपने काम पे ना लाएं। हम फेसबुक पर जाकर, व्हाट्सएप पर जाकर फिर झगड़े कर लेंगे, लेकिन हम सेट पर काम अच्छे से करेंगे, उसमें हम अपने आप से डिफरेंसेस नहीं आने देंगे। मैं गुरुशा जी व्यक्तिगत सोच की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक थिएटर की सोच, टुवर्ड्स थिएटर एंड फिल्म अप्रोच की आपकी एक सोच बनी हुई है जी, जो बड़ी पुख्ता है मुझे जो लगता है, क्योंकि आपको ऐसा वातावरण मिला है, ऐसी शिक्षा मिली है। जी जी, मैं आपको इस पर भी मैं आपको बताती हूँ, अभी नाम तो नहीं लूंगी, मैं अभी कुछ टाइम पहले मैं एक फिल्म कर रही थी तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट था ओम जी उस फिल्म का, क्योंकि उसमें बड़ी अच्छी कास्ट थी और देखिए आप जो बैकग्राउंड था सब थिएटर वाले थे, बड़ा अच्छा साइन जब मैंने की थी फिल्म तो मैं बड़ी खुश थी, मैं कहा इतने अच्छे सीनियर कलाकार हैं इसमें, सब बहुत मजा आएगा, सब इम्प्रोवाइज करेंगे, स्क्रिप्ट को अगर स्क्रिप्ट यहाँ है तो इसको यहाँ ले जाएंगे। बड़ा फिल्म की शूटिंग के दूसरे तीसरे दिन मुझे समझ आ गया कि यहाँ जीवन में कोई कुछ इंटरेस्टेड ही नहीं है किसी चीज में, वो बात तो छोड़िए किसी ने स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी हुई थी सिवाय मेरे, और लोगों को इस बात की हैरानी हो रही थी कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ के क्यों आई हूँ। एक बड़े सीनियर कलाकार है, उन्होंने तो मुझे बोला कि गुरुशा आप स्क्रिप्ट पढ़ती हैं? मैंने कहा सर मतलब एज अ एक्टर मेरा होमवर्क और क्या हो सकता है कि मैं अपनी स्क्रिप्ट तो पढ़कर आऊं सेट पर, मतलब दिस इज द लीस्ट आई कैन डू सो दैट माई डायरेक्टर नोज आई नो द स्क्रिप्ट, उन्हें ये मालूम है कि मेरा कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर का ग्राफ होता है। और ये मेरे साथ मैंने ओम जी ये बल्कि एक अजीब सी चीज है, मैंने ये जितना भी मैं अभी पीछे भी काम करती आ रही हूँ बहुत कम लोगों को मैंने देखा जो स्क्रिप्ट पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं। उनको एक जो दूसरे थे उन्होंने मुझे बोला कि अरे आप अपना देखिए ना क्या स्क्रिप्ट में पढ़ना आपको, फिर बोले कि नहीं नहीं आपका तो एक्चुअली बचपन से माहौल पढ़ाई लिखाई का है तो इसलिए आपकी आदत है स्क्रिप्ट पढ़ना, मतलब बोले मैं तो नहीं पढ़ता हूँ और आप भी मत पढ़िए। मेरे तो समझ में नहीं आया मैं क्या बोलूं। और फिर उसके बाद जब मैंने बाकी लोगों का भी रवैया देखा वहां पर काम का तो मैं समझ गई कि ये आउट एंड आउट कमर्शियल मैटर है और यहाँ पर मैं वो पैशन और वो स्पिरिट और वो कि चलो कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छा मतलब कुछ अलग सा करते हैं और कुछ बढ़िया सा सिनेमा क्रिएट करते हैं, कुछ नहीं होता ऐसा। सबकी अपनी अपनी सबके एजेंडे ही अलग हैं,
मैं क्या हूँ, मैं थोड़ा मेरा एंथू लेवल कुछ ज्यादा ही रहता है कि कुछ अच्छा कर दूं, कुछ ये कर दूं, फिर वो मैं ही मुंह के बल गिरती हूँ। तो इसलिए मैं फिर चुप हो गई तीसरे दिन के बाद। मैंने कुछ ना किसी से एक्सपेक्ट किया, ना किसी से शिकायत की, लेकिन एक एक पल मैंने उस फिल्म में, आप ये समझ लीजिए, कोसते हुए बिताया है, अपने आप को भी माहौल को भी। मैंने कुछ नहीं एंजॉय किया उस फिल्म में, मैं डेड सी हो गई। मैंने कहा यार कमाल है, मैं इतनी खुश थी और मुझे उतना ही निराशा मिली। तो ये ऐसे बड़े बड़े तकलीफ देने वाले ये वाकये होते हैं। लेकिन फिर मैं अब उन्होंने क्या किया, मुझे आगे के लिए प्रिपेयर कर दिया। अब मैं अपनी अगली फिल्म में किसी और से कुछ नहीं एक्सपेक्ट करने वाली। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना परफॉर्मेंस लेवल या अपनी सोच या अब मैं भी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ के जाऊंगी, वो नहीं होगा। वो तो मैं करूंगी, मेरा जो होमवर्क है वो तो मैं कंटिन्यू करूंगी। मैं दूसरों से नहीं एक्सपेक्ट करूंगी कि वो मेरी तरह तैयारी करके आएंगे या वो मेरी तरह एक एंथुसियाज्म लेकर आएंगे या उनको इंटरेस्ट होगा। वो 50-50, 60-60 फिल्म किए, 100-100 फिल्म किए लोग हैं। मैं उनसे एक्सपेक्ट करूं कि वो खुश हो जाए एक अच्छा सीन पढ़ के, ये मेरी भूल है, ये मेरी गलती है। तो वो मैंने बड़ा सीखा। अब मैं नहीं करती हूँ। अब नहीं एक्सपेक्ट करती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया जयंत दादा। नमस्कार नमस्कार, आपके दर्शन हो गए फाइनली। 2018 से गए। मैं अभी लोकेशन देखने गया हुआ था और मैंने गीतांजलि को कहा था कि मैं ज्वाइन करूंगा, पर मालूम नहीं कितने बजे ज्वाइन करूंगा। अभी वो मैं ओम जी को बता रही थी, गीतांजलि को बता रही थी, मैं जैन दादा को पकड़ना भी टेढ़ी खीर है, जैसे पापा को पकड़ना टेढ़ी खीर होती है ना। मैं कह जैन दादा के पीछे तो हम 2018 से पड़े हुए हैं। कैसे आप? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ठीक हूं, बढ़िया। हां बहुत बहुत बढ़िया। जब आज मैंने देखा कि आप आने वाली, मैंने कहा रे वाह, तो अभी खत्म किया और सीधा फ्यूचर स्टूडियो गया था, वहां से तुरंत आया, तो मैं सीधा आके ऑन किया मैंने। अच्छा, बॉम्बे में ही? मैं बॉम्बे में ही हूँ। मैम मैं चाहूंगी कि आप अपने चेहरे एक बार थोड़ी सी लाइट कर ले, ताकि आपका खूबसूरत चेहरा हम आप देख सके। ट्यूबलाइटे जला ले, अपने ना बदली हो रखी है बाहर, बहुत बादल जैसे हो जी, यहाँ भी हो रहा है। नहीं, मेरे पास एक कमेंट आया कि मैम का चेहरा थोड़ा अंधेरे में है, मैं कहा ठीक है करवाती हूँ उजाले में। आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है, थिएटर में काम करना या फिल्म में? सबके देखिए अपने अपने रस है, सबका अपना अपना एक मजा है। थिएटर में जो लाइव ऑडियंस के सामने जब आप परफॉर्मेंस आपका होता है और जब आपको जब कर्टन कॉल होती है और जब ऑडियंस खड़े होकर आपको क्लैप मिल रही होती है, उसका जो हाई है, उसका जो एक मजा है, वो तो मैचलेस है। वो उसको कहाँ मैच कर पाएंगे। टीवी का देखिए, टीवी का एक ही मोटिवेशन होता है, पैसा। सिंपल सी बात है। उसमें हाँ, उसमें अब लोग अपनी अपनी कहानियां बता सकते हैं कि बड़ा सेटिस्फेक्शन, कुछ सेटिस्फेक्शन। अगर आप अच्छे एक्टर हैं और आप एक थोड़ी बहुत समझ रखते हैं, थिएटर बैकग्राउंड रखते हैं, तो टीवी से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। हाँ, टीवी से आप घर खरीद लेते हैं, आप गाड़ी खरीद लेते हैं, आप थोड़ा बैंक बैलेंस बना लेते हैं, ताकि जब क्वारंटीन आए तो आप थोड़े से रिलैक्स हो जाए। बहुत बढ़िया, टेंशन ना हो। तो मुझे उतना टीवी ने दे दिया। बाकी फिल्म्स का एक अपना अलग मजा है। फिल्म्स मैंने अभी उजड़ा चमन से मुझे मतलब मैं तो कोई बहुत मेहनत भी नहीं कर दी थी मैंने, जैसी मैं करती हूँ वैसे ही मैंने करा और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब अनुपमा चोपड़ा जी ने बोला कि वो स्क्रीन को ब्राइट कर देती हैं ग्रुशा जब जब आती हैं अपने सीन में, और कोमल नाहटा जी ने बोला कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट्रेस हैं। तो मुझे भी लगा अरे वापरे मतलब ऐसा क्या कर दिया है, मैं तो ऐसी एक्टिंग करती आ रही हूं। तो उसका कैनवस बदल गया, उसका एकदम से फिल्म आपको बहुत बड़ी संख्या में ऑडियंस तक पहुंचा देती है। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है अपने आप में। तो ये तीनों का अलग सुख है। देखिए तीनों के जिसको रजस तमस और राजसिक तामसिक और एक सात्विक। हाँ, तो ये सात्विक थिएटर समझ लीजिए, तामसिक सीरियल समझ लीजिए, और राजसिक जो है वो फिल्म। ये सबसे सरल
परिभाषा मेरे लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही है, बिल्कुल सही। जयंत सात्विक संगीत है कि पेट नहीं भरता है बस, वो तामसिक भर देता है, उसमें आत्मा भरती है। है जयंत भाई? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। आत्मा आपकी प्रफुल्लित रहेगी, थिएटर आप करते रहेंगे, यू विल बी, वो बड़ी अच्छी कहावत है कि इफ यू वांट टू डू, इफ यू वांट टू बी अ गुड मैन, गुड पर्सन, डू थिएटर, बट इफ यू वांट टू बी अ, हाँ, तो बड़ी बड़ी अच्छी कहावत है। मैं हमेशा टाइम के वक्त मैं भूल जाती हूँ चीजें, तो उसमें यही है कि अगर आपको इंसान अच्छा बनना है तो आप थिएटर कीजिए, तो वही है, सात्विक है वो एकदम, सही बात है ना, उसका सुख ही अलग है। कुछ नहीं होता आपके पास, लेकिन आप इतने परिपूर्ण होते हो, इतने भरे होते हो आप, रिहर्सल है 5 बजे, भागे चले जा रहे हैं बस चेंज कर करके कि रिहर्सल पे पहुंचना है, आज कोई फलाना आ रहा है रिहर्सल देखने, आज सर आ रहे हैं, आज ये आ रहे हैं, ऐसा कितना एंथू सीरियल में और फिल्म में होता है, क्या लाइन है बताओ? हाँ ठीक है चलो किसी को कुछ सवाल पूछना है? हेलो हरविंदर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं सबसे पहले और कोई सवाल पूछे, मैं पहले तो बैक कहूंगी, मैं गुरुशा को तब से जानती हूँ जब मैं यूनिवर्सिटी पटियाला यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, और ये बहुत छोटी थी उस वक्त अपने पापा के साथ, और एकदम से उसको बड़े होते देखा, और जिस तरह से वो एक्ट्रेस निकल करके आई है माशाल्लाह, उसको भगवान बहुत सारा काम दे और उसकी सेहत ठीक रखे, बहुत अच्छा काम करती है गुरुशा, और वंडरफुल परफॉर्मर हो, इतना अच्छा बढ़िया, पर्सनली मैं पहली बार मिल रही हूँ, काश मैं भी मुंबई आई होती तो मिलती, जरूर मिलने के लिए आती, बट बहुत ही माइन्यूटली जो एक होता है काम करती है, और मैं चाहती हूँ ऐसे ही परफॉर्मेंसेस देते रहो और हम लोग तारीफ करते रहें, और खास करके तो सच में क्योंकि रंजीत भाई तो बहुत अच्छा बढ़िया लिखते हैं, ये लिखते हैं, तो जाहिर है कि गुरुशा बहुत अच्छा थैंक यू उनका प्रोडक्ट है, बहुत ही बढ़िया करती हैं, बहुत अच्छा करती है गुरुशा, बहुत वेरी नाइस, नाइस थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मैं सवाल करूंगा जी। नमस्कार अनूप। हाँ, मेरा नाम अनूप जोशी बंटी है, मैं भोपाल से हूँ। नमस्कार। नमस्कार, मैं आपसे दो सवाल करना चाह रहा था, एक तो ये कि आपने जो काम शुरू किया था उस समय आप बहुत छोटे थे, तो बहुत कम उम्र में आपने ये काम शुरू किया, जो तारा था उस समय बहुत छोटे थे, और अब काफी वक्त हो गया उसको काम करते करते लगातार, तो उस समय एक्टिंग की क्या अप्रोच हुआ करती थी, आप नेचुरल करते थे या कुछ था, और अब क्या फर्क है, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये कि जैसे थिएटर होता है तो थिएटर में हमको अपने परफॉर्मेंस को फाइनल जो रिजल्ट देने के लिए पूरा महीना भर या 1.5 महीना या 2 महीना मिलता है, लेकिन फिल्म में या टेलीविजन में हमें बहुत जल्दी करना पड़ता है, मतलब हार्डली शायद आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट पता पड़ता है, स्क्रिप्टें भले ही पहले मिल जाती हैं लेकिन जो डायरेक्टर के साथ उस तरह से जो मीटिंग है वो मुझे लगता है कि बहुत कम समय मिलती है, तो उसके लिए आप कैसे करते हो कि जिससे वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो इतने कम समय में भी, उसकी प्रिपरेशन क्या होती है, क्या टेक्निक्स हो सकती हैं उसके लिए, ये दो सवाल। अनूप जी, जब मैंने तारा सीरियल में काम करना शुरू किया था तो मैं 15 साल की थी, और मेरे लिए वो बड़ा छोटा सा एक मतलब ऐसा था कि मेरी छुट्टियां थी स्कूल की, और राजा बुंदेला दिल्ली आया था, उन्होंने कहा ऐसा ऐसा है तू कर ले, तेरा छुट्टियां भी हैं, तेरी उसमें रोल होगा, और मैं दिल्ली में टाई कंपनी थिएटर, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की थिएटर एंड एजुकेशन कंपनी में उसका फर्स्ट बैच हूँ, और मैंने 4 साल टाई किया है, हमारी क्लासेस होती थी, बैरी जॉन हमारे डायरेक्टर थे, तो मेरी छुट्टियां चल रही थी स्कूल की भी और टाई की भी, तो मैं यहाँ पर उसी लिहाज से आई थी कि मैं और मम्मी जाएंगे और मुश्किल से 8-9-10 दिन का काम होगा, 4 पैसे मिलेंगे, बॉम्बे घूमेंगे, वापस दिल्ली आ जाएंगे, कोई ये नहीं पता था कि वो ऐसा हो जाएगा और वो इतना पसंद किया जाएगा वो कैरेक्टर और वो रोल, और मेरा फिर एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। जो सबसे पहली चीज मैंने यहाँ पर नोटिस की, जो अब मैं रेट्रोस्पेक्ट में देखकर आपसे कह सकती हूँ, और मैं बड़े लोगों से भी सुनती हूँ, थिएटर बैकग्राउंड की वजह से मुझे लाइनें बड़ी जल्दी याद होती हैं, मुझे आप एक बार दिखा दीजिए मैं लाइनें
हटाक से मुझे याद हो जाती है। तो जब मुझे इन्होंने यहाँ पर मेरा पहली बार जगदीश माली के स्टूडियो में यहाँ पर ऑडिशन हुआ था, बहुत बहुत से कलाकार इस रोल के पीछे आए थे, मुझे तब इसकी, आप जब आप अनभिज्ञ होते हैं तो आप इग्नोरेंट होते हैं और इग्नोरेंस इज ब्लिस, यहाँ पर मैं कहूंगी। मुझे नहीं पता था कि ये कितनी बड़ी चीज है जिसके लिए मैं ऑडिशन देने आई हूँ, या क्या इस चीज, या आगे जाके कितनी बड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं। मेरे को था कि ठीक है, ये अंकल है यहाँ पे, ये इन्होंने लाइनें दे दी हैं, ये लाइनें मुझे बोल देनी और खत्म कहानी। तो मुझे उस कुछ उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता थी। तो मैंने बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि निरापद, जिससे किसी को डर ना हो, ना मुझे था, मुझे कोई किसी से डर नहीं था, कुछ नहीं। और मैं बिल्कुल, मैं और मेरी मदर वहां गए और उन्होंने मुझे एक पेज का डायलॉग दिया और मैंने देखा, मैंने पढ़ा, मैंने कहा हाँ जी मैं रेडी हूँ। तो संजय तिवारी, मुझे अभी भी याद है, ललित तिवारी के ब्रदर, वो रमन जी के असिस्टेंट होते, तो उन्होंने कहा आपने इतनी जल्दी याद कर लिया, बेटा चेक कर लो अच्छे से। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे याद है, मुझे याद हो गया। बोले अच्छा चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा चलो रिकॉर्ड कर, मैं लास्ट ऑडिशन थी उस दिन का, और उस कैरेक्टर का लास्ट ऑडिशन थी। तो मैंने जब कर लिया तो मुझे नहीं पता था कि उस ऑडिशन का इतना अच्छा हो गया, कि इतनी चर्चे हो गए, कि बाद में जब मुझे नवनीत मिली, मुझे रत्ना मिली, और जितने भी उसके अंदर, और उसमें तो सारे एनएसडी के लोग मतलब भरे हुए थे उसके अंदर, सारे दिग्गज लोग अपने मेरे सीनियर्स क्या मतलब सब बड़े बड़े उसमें लोग भरे हुए थे, चाहे वो आलोक जी हो, राजा जी हो, चाहे नवनीत हो, सुप्रिया पाठक हो, सुष्मिता मुखर्जी हो, मतलब आप नाम लीजिए, और सब थिएटर वाले थे उसके अंदर हार्डकोर। और उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाना, और फिर अचानक धीरे धीरे सडनली मैंने रियलाइज किया कि कहानी सारी मेरी तरफ मोड़ दी गई है, और मैं परेशान हो गई, क्योंकि मुझे घर याद आता था, और मुझे था कि तो मैं फंस गई यहाँ, अब मैं क्या करूंगी, पापा मेरा भाई दिल्ली में, मैं और मम्मी यहाँ, और बीच में मम्मी को भी जाना पड़ा, मेरे बड़े भाई गुजर गए थे उस वजह से, और मुझे तो मैं विंता जी क्या रहती थी उन दिनों, कुछ हफ्ते भर की बात होगी, उस हफ्ते भर में मैं इतनी, जिसको डिप्रेशन कहते हैं, मेरी वो स्थिति हो गई। मैंने कहा ये क्या है, यहाँ तो मेरे ही सीन होते रहते हैं, मेरे साथ उल्टा था, एक्टर्स तरसते हैं कि उनके सीन्स हो, मैं होते यहाँ सुबह से लेकर रात तक मेरे सीन्स चलते रहते हैं, मुझे छुट्टी मिलती नहीं, मेरी माँ यहाँ है नहीं, मेरे पापा यहाँ है नहीं, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। तो मैं आपको एक इग्नोरेंस की भी बात बता रही हूँ, कि आज के जो लोग हैं वो इतने तैयार होकर आते हैं, और आज सोशल मीडिया ने और इन सब चीजों ने दुनिया को इतना छोटा कर दिया, कि आज गांव से आने वाला भी जो एक व्यक्ति है वो टीवी की या वेब की या सिनेमा की इम्पोर्टेंस बड़े अच्छे से समझता है। हम, मेरे टाइम में ऐसी नहीं थी, या हम ही शायद ऐसे फिसड्डी थे कि वो कोई एम्बिशन नहीं थे, और मेरी वो, मैं तो वकील बनना चाहती, मैं तो पता नहीं कहाँ से इस फील्ड में आ गई। मैं तो आज भी यही बात बोलती हूँ कि जब मुझे कोई कहते हैं आप वो कर क्यों नहीं रही हो, फिर मुझे होता है मेरे मन ही नहीं कर रहा, मुझे कि मेरे अंदर कोई अंदर एक्टर नहीं बैठा जो कहना चाह रहा है कि मुझे देखो, मुझे सुनो, मेरे अंदर ये कहने नहीं है, मैं तो कर लेती हूँ एक्टिंग, और मिलते रहते हैं तो चलो कर लिया। तो एक ड्राइव जो होती है अंदर एक्टर की, वो मेरे में मिसिंग है। बट एनीवेज, जो भी काम मुझे मिलता है वो मैं बड़ी ईमानदारी से, बहुत अच्छे से, जो भी मेरी ट्रेनिंग है, जो भी अब आप उसको ब्लड में कह लीजिए या क्या, वो मैं बहुत ईमानदारी से करती हूँ। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पर जो एक्टर लाइनें रट लेता है जल्दी और एक टेक में कर देता है, उसको बहुत अच्छा एक्टर मानते हैं, चाहे वो एक टेक में रायता ही फैला रहा हो, लेकिन उसे लाइनें उगलनी आनी चाहिए। तो सीरियल्स में तो स्पेशली ये होता है कि जिसने एक टेक में लंबा चौड़ा दो तीन पेज का सीन कर दिया, और क्या आर्टिस्ट है, क्या आर्टिस्ट है, आज कहीं पॉज लगे ना लगे, कहीं कॉमा लगे ना लगे, सारे एक्सक्लेमेशन गलत हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, डायलॉग्स याद रहते हैं। उनको क्या होता है, पहले तो चलो मैगजीन थी, अब तो डिजिटल आ गया, उनको तब भी होता टाइम बच रहा है, दूसरा सीन हमको एक एक्स्ट्रा सीन लगाने का टाइम मिल गया। ये मेरे साथ होता था, सिया के राम में होता था, जिस दिन शेड्यूलर को पता चलता था कि सारे सीन मेरे हैं, वो दो सीन बाद में मेरे पैकअप के बाद, क्योंकि मैं 9 to 9 ही करती थी, मैं चली जाती, दो कहते थे मैडम हम तो बड़े खुश होते हैं जिस दिन आपका सीन होता है, हम दो सीन एक्स्ट्रा लगा देते पैकअप के बाद, क्योंकि आपके बाद हमें टाइम मिल जाता है। ये मापदंड है यहाँ, ये मतलब आधे से ज्यादा लोग क्या बिना ट्रेनिंग के आते हैं यहाँ। अपनी जो फिल्म इंडस्ट्री है, मात्र मुझे लगता है सिर्फ एक ऐसी इंडस्ट्री होगी जहां पर ट्रेनिंग जरूरी नहीं है,
अगर मैं यही डॉक्टर बनने जाऊं या इंजीनियर बनने जाऊं तो मुझसे डिग्री मांगेंगे। यहाँ पर होता है हमारा लड़का कुछ कर नहीं रहा, चलो इसको हीरो बना दो। तो मुझे समझ नहीं आता कि मुंह उठा के लोग आगे से जाते हैं। आपने थिएटर नहीं किया, आपने किसी मतलब समझदार इंसान के साथ वक्त नहीं बिताया। हाँ या तो आप बहुत ही नेचुरल बॉर्न टैलेंट हो, वो बात अलग है, अपवाद और एक्सेप्शन हमेशा होते हैं। पर यूजुअली मैंने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर अपनी क्राफ्ट को, अपने काम को जिसको कहते हैं ना पैशनेटली करने वाले, पैशनेट भी करते होंगे वो, लेकिन उसको कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूं, उसको पर्दे पर उतारने वाले बहुत मीडियोकर है, स्पेशली टीवी इंडस्ट्री में बहुत मीडियोक्रिटी बहुत है हमारे यहाँ। और अब तो और हो गई है, हम लोगों के टाइम तो फिर भी देखिए बहुत बड़े बड़े एक्टर्स होते थे, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स सीरियल्स में, इतने बड़े बड़े एक्टर्स देखने को मिलते थे। गुलजार साहब के सीरियल आते थे, आप देखिए उसमें सब फिल्म के एक्टर्स होते थे, इतने अच्छे अच्छे। नसीर साहब हो, उस दिन मैं एक देख रही थी, गुलजार साहब की कहानी थी उसमें, पुरी साहब और इरफान साहब थे, इतनी अच्छी लगी वो कहानी, इतनी जहीर साहब, ऐसे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलते थे। अब कहाँ देखने को मिलते हैं ऐसे लोग, आप बताइए मुझे। अब तो सीरियल्स में तो उनको कास्ट किया जाता है जो बजट में आ जाए, है ना, कि दो सीन, ये दो सीन का रोल है, ये तीन सीन का रोल है, अबे यार उसको बुला ले, अबे उसको बुला ले। और मैं इसलिए भी थोड़ा सा आपको, इसलिए भी थोड़ा सा मेरे शब्द कटु लग रहे होंगे या सत्य है इसलिए शायद कटु लग रहे होंगे, मैं खुद भी प्रोड्यूसर हूँ तो मुझे मालूम है ये सब कैसे चीजें वर्क करती है। मेरे भी मापदंड चेंज हो जाते हैं, मैं भी हिपोक्रेट हो जाती हूँ फिर। अभी मैं बड़ा ज्ञान दे दूं लेकिन तब मैं भी बहुत हिपोक्रेट हो जाती हूँ कि नहीं भैया बजट नहीं है, क्या बात कर रहे हो, डीडी का शो है, इतना नहीं दे सकते। ये होता है, ये हो जाता है, लेकिन मेरे साथ तो फिर भी बहुत कम है। अमूमन इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो ज्यादातर अब वही होता है कि लाइनें बहुत अच्छी बोलता है, रीटेक नहीं देता, इसको बुला लो, ये मापदंड है। बहुत सही मैम आपके। हाँ बोले बोले अनूप सर। नहीं, मेरा जो दूसरा सवाल था वो एक्टिंग वाला, कि एक्टिंग का जो समय नहीं मिलता है। जी जी जी, सॉरी। हाँ जी, ये बिल्कुल मैं आपसे अग्री करती हूँ कि हमें प्ले में इतना डेढ़ डेढ़ दो दो महीने हमें रिहर्सल के मिलते हैं, लेकिन हमको फिल्म्स में या टीवी सीरियल में बिल्कुल समय नहीं मिलता। फिल्म्स में तो चलिए फिर भी मिल जाता है, टीवी सीरियल में तो बिल्कुल नहीं मिलता है। तो आप ये भी तो देखिए ना कि टीवी सीरियल की और एक अखबार की उसमें क्या फर्क है। आप कल का अखबार आज पढ़ेंगे क्या? नहीं। इसीलिए टीवी सीरियल की जो रिपीट वैल्यू है, मैं पुराने सीरियल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी नहीं बात कर रही जो डीडी पे आते थे, उनकी नहीं बात कर रही, मैं आज की बात कर रही हूँ। जो आज के दौर में कौन से ऐसे टीवी सीरियल्स हैं जो आप कहेंगे कि मैं यार फिर से देखना चाहता हूँ? मुझे नहीं लगता आपके दिमाग में कोई आएगा। बस नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर मान लीजिए, ये आप जो कह रहे हैं ये तो मैं समझ गया था, लेकिन मैं इतना पूछना चाह रहा था कि अगर मैं चाहूं कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हो तो क्या कुछ टेक्निक होती है इसमें, या टेक्निक ऐसी कर सकते हैं कि जिससे हम अपना परफॉर्मेंस से वो अच्छा कर सके? अनूप जी, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता सकती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं अपने पहले, सबसे पहले तो मैं अपनी लाइंस रेडी कर लेती हूँ, और एक बार जब लाइंस मुझे रेडी हो जाती हैं, अगर मुझे कंठस्थ है मेरे डायलॉग्स, देन आई कैन प्ले विद इट, देन आई कैन वर्क अराउंड इट। फिर मैं चाहे मैं कोई मूवमेंट करते हुए करूं, चाहे पानी पीते हुए करूं, फिर मैं आपको पता नहीं लगने दूंगी कि मैंने कुछ अननेचुरल किया। इसीलिए प्रेपरेशन के लिए मुझे जो लगता है कि सबसे जरूरी है, आपको आपकी लाइंस पता होनी चाहिए। व्हेन यू आर डन विद योर लाइंस, देन यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर परफॉर्मेंस। लाइंस आपके लिए गीता स्वरूप होनी चाहिए। जैसे मैं अपने किसी भी, अभी मैं ये फिल्म जो मैं करके आई हूँ, उससे पहले भी मैं उजड़ा चमन में भी और मैं करणजीत कौर में भी, मैं राइटर से पूछती थी, अगर मुझे डायरेक्टर बोलते थे कि मैम ये लाइन मत बोलिए आप, रहने दीजिए इसको, तो मैंने जाके मेरे राइटर से पूछा, मैंने कहा करण देयर आस्किंग मी टू चेंज द लाइन, कैन आई डू दैट? मैंने सोचा आपसे मैं पूछ लूं, तो मैम आई स्वेयर सिर्फ आप अकेले हो जो मुझे इतनी इज्जत देते हो। मैंने कहा भाई मैं राइटर की लड़की हूँ, इसलिए मैं राइटर तो मेरे लिए सर्वोपरि, आपने कुछ सोच कर ही लिखा होगा यहाँ, अगर आप कह दें कि हाँ इसको हटा दीजिए, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं अपने मन से किसी के कहने से नहीं हटाऊंगी। तो लाइंस आप कर लीजिए, ये आपका दायित्व है एज एन एक्टर। और उसके बाद आप अपने, अगर आपको भगवान की दया से को एक्टर्स बहुत अच्छे मिल जाए, जो मुझे अक्सर मिले हैं, तो आप उसको रिहर्स कर लीजिए। हम तो रिहर्स करते रहते हैं बड़ी देर तक, और फिर उसका रिजल्ट फिर सामने दिखता है।
कच्चा सीन भी सामने दिखता है, अच्छा सीन भी सामने दिखता है। जी जरूर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हमारी वीडियो का समय खत्म होने वाला है, तो मैम आप जस्ट वापस से रिज्वाइन हो जाइए। अच्छा, मैं प्रतिमा आंटी को नमस्ते कर दूं पहले। उनका म्यूट। नमस्कार, नमस्ते आंटी, नमस्ते गाना अंकल। वो म्यूट है शायद। हाँ वो कर रहे अपने साइड से। कैसे बेटा? मैं अच्छी हूँ, आप दोनों कैसे हैं? सो गुड टू सी यू। एकदम बढ़िया। हम तो एक्टर्स बहुत अच्छा मानते ही हैं, तरनजीत में तो बस कमाल ही कर दिया बेटा तुमने। अरे थैंक यू, मुझे याद है मेरे को कनन अंकल का फोन आया था, बोले बेटा तूने इतना अच्छा किया है कि मैं क्या बोलूं। मैंने कहा आपने इतना बोल दिया बस मैं समझ गई। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, अपने जिन्होंने बचपन से देखा और वो फोन करके बोले थे, अलग ही खुशी होती है उसकी ना। ऐसे ही मुझे अनूप भाई का भी फोन आया, कहने की ग्रुषा तुमने क्या किया है यार, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए तुमको। स्पेशली वो एक हॉस्पिटल का एक सीन था, बड़ा अच्छा, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा था वो करके। तो मुझे अनूप भाई ने भी यही बोला था। तो अपने अपने लोग और वो जब आपको अप्रिशिएट करे, और प्रतिमा आंटी जैसी इतनी अच्छी एक्ट्रेस, कनन अंकल जैसे इतने अच्छे एक्टर आपको बोलेंगे, आप तो चलो उनके बच्चे हो, लेकिन वो ऐसे हैं जो आपको टोक सकते हैं कि बेटा तुमने क्या किया, कचरा किया तूने, अच्छा नहीं किया, अगली बार संभाल लेना। लेकिन वो तारीफ करते हैं तो आपको लगता है चलो आप ठीक ठीक ठाक कर रहे हो। जी जी, इसके बाद हम मैं भी चाहूंगा कि अगर किसी ने